हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट देखिए, एक बच्चे का रिक्वेस्ट था कि सर ये मेरे परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे क्लास इलेवंथ में साइंस चाहिए था। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईसीसी का स्टूडेंट है, यहाँ पे बच्चे ने इंग्लिश लैंग्वेज में 86 लिखा है, बाकी सब्जेक्ट में 65-75, मतलब ये आउट ऑफ 100। उसने लिखा नहीं कि आउट ऑफ 100 है कि आउट ऑफ 80 है। अब इसे मैं आउट ऑफ 100 ही समझ के कैलकुलेट करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी थी, इंग्लिश में 75 मार्क्स हैं एवरेज, कंप्यूटर में 75 आया तो मैंने ले लिया, ज्योग्राफी में 74 और हिस्ट्री सिविक्स में 57, दोनों का एवरेज मैंने 66 लिया स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स में 47 मार्क्स हैं और मैंने यहाँ पे देखिए 56 स्टूडेंट्स लिया, क्योंकि मैथमेटिक्स में मैं कुछ मार्क्स इंक्रीज़ कर रहा हूँ, और फिर बाद में हिंदी में 56 है तो यहाँ पे स्टूडेंट हिंदी में 56 ही लिया। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके मार्क्स तो 329 हो रहे हैं ओवरऑल, मैं 10 नंबर 11 नंबर और इंक्रीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसने इंटरनल ऐड कर दिए थे, इंटरनल में इसने कम ही ऐड किए होंगे, तो टोटल नियर अबाउट 330 तक इसके कैलकुलेशन टोटल मार्क्स जा सकते हैं। अब 330 मतलब डिवाइड बाय 5, तो बेस्ट 5 के हिसाब से 65% बच्चे का आ सकता है स्टूडेंट्स। और भी ऐसे कैलकुलेशन रहेंगे जो मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, आप अपने कमेंट मुझे अपने मार्क्स भेज दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, देखिए इसे ये वाइट डेविल करके एक बच्चे ने अपने मार्क्स भेजे हैं, अभी इसके मार्क्स मैंने कैलकुलेशन किए स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे इंग्लिश 1 और 2 का एवरेज है 63, मैथ्स में 75 और हिंदी में 75 स्टूडेंट, वो भी बेस्ट 3 में हो गया। अभी यहाँ पे मैंने बेस्ट 4th सब्जेक्ट लिया स्टूडेंट्स यहाँ पे साइंस, क्योंकि साइंस में फिजिक्स में 62, केमिस्ट्री में 48 और बायो में 70 एक्सपेक्टेड लिखा था, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एवरेज हो गया 60। तो और 85 कंप्यूटर में मैंने लिया, क्योंकि स्टूडेंट इंटरनल 100 होते हैं, 70 प्लस 100 आपका 170 डिवाइड बाय 2, 85 मैंने लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये 4 सब्जेक्ट के मैं ऐड करूँगा 20 मार्क्स इंटरनल भी, पहले ऐड कर लेते कितने मार्क्स हो गए, ये 15 प्लस 3 18, 1 कैरी नाउ 819 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20 22, 22 7 29 30 35, तो 358 में स्टूडेंट्स हम 80 मार्क्स ऐड करते हैं इंटरनल 4 सब्जेक्ट के। 80 पूरे फुल इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि आपके मॉडरेशन के हिसाब से इनमें मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, तो मैं 80 वाले में इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ स्टूडेंट 8, और ये 8 प्लस 5 13, 1 कैरी, तो 438 मार्क्स आउट ऑफ 500, तो 5 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 5 8 जा 40 एंड 5 7 जा 35 एंड देन 87.6, मतलब बच्चे का परसेंट 87 से लेके 90% तक जा सकता है स्टूडेंट्स, इसलिए होप रखो, हो सकता है 90% भी आ जाए। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट कैलकुलेशन पे।